एक राजा था जिसे पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ जरा तोते लेकर आओ। मंत्री गया। मंत्री जाने के बाद वो जो कि दो खूब सुंदर जो है कि तोते के जोड़े लाया और उसने राजा को दे दिया। राजा ने उसका देखभाल किया। देखभाल करते करते जब वो तोते बड़े हो गए तो एक तोता था उसमें उड़ने लगा और एक तोता था कि जो उड़ता ही नहीं था, बस एक पेड़ पर जाता था, उसकी डाली पर बैठ जाता था। और दूसरा जो तोता था वो काफ़ी ऊँची उड़ान भरता था। जब इस चीज़ को देखता था राजा तो बहुत परेशान होता था कि मेरा एक तोता जो कि बहुत ऊँची उड़ान भर रहा है और दूसरा तोता जो कि उड़ ही नहीं रहा है। वो बहुत ही परेशान था जो तोता उड़ नहीं रहा था। तो अपने मंत्री को आदेश दिया कि देखो कोई व्यक्ति को ऐसा पकड़ के लाओ जो तोते की जानकारी रखता हो, जो इसका अच्छे से देखभाल करता हो। मंत्री गया। मंत्री जाने के बाद गांव से एक व्यक्ति को पकड़ के लाया जो कि तोते का काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज रखता था, उसका देखभाल करता था। वो व्यक्ति क्या किया कि वो आया। आने के बाद राजा से बोला, राजन ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, मैं इसे उड़ा दूंगा। तो राजा ने बोला ठीक है, तुम मुझे उड़ा कर दिखा दोगे तो मैं कुछ इनाम तुम्हें दूंगा। वो क्या किया, उस लेकर गया तोते को। जब वो उसे उड़ाया, उड़ाने के बाद क्या कि वो जाकर उसी डाल पर बैठ गया। तो उस जो गांव का व्यक्ति था उसे ये बात समझ में आ गई कि इसका जो है कि जो सबसे जो प्यारी चीज़ है वो है डाल, वो इसी पे डाल पे जाकर बैठ जा रहा है। वो व्यक्ति क्या किया कि जाकर उस डाल को एक काट कर ख़त्म कर दिया, फिर तोते को उड़ाया और उड़ा। जब उसे वो डाल दिखी नहीं तो उड़कर जो कि आसमान में उसी उड़ान भरने लगा। राजा देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने बोला अरे यार तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो उस व्यक्ति ने बोला, गांव का जो व्यक्ति था उसने बोला, राजा इसको बहुत सबसे प्यारी जो चीज़ थी वो थी डाल, जिसकी वजह से वो उड़ता था, जाकर उसी पर बैठ जाता था, फिर उसके बाद उड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा था, मैंने उसकी वो डाल ही काट दी। और राजा खुश हुआ और जिसकी वजह से उसे इनाम दिया। वो व्यक्ति हंसी खुशी से इनाम लेकर अपना वापस चला गया। तो दोस्तों कहानी से सीख ये मिलती है कि कहीं ये आपकी जो डाल है, कहीं आपके जीवन में डाल तो नहीं ना है कि जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में रोक रही है, आपको कामयाब होने में, आपको सक्सेस होने में, आपको सफल होने में। कहीं आपके ज़िंदगी में कोई ऑप्शन तो नहीं ना, कोई विकल्प तो नहीं ना है कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये छोटी मोटी डाल, छोटी मोटी आपकी नौकरी, छोटा मोटा काम धंधा, जो सिर्फ 5,000, 6,000, 7,000 रुपये कमा रहे हैं, जिससे आपका आगे बढ़ने का कोई, बस उसी में आप फंसे पड़े हैं, उसी में फंसे पड़े हैं। तो दोस्त आप जो आपके बीच में छोटे मोटे ऑप्शन हैं इसे निकाल कर बिल्कुल फेंक दीजिए, बड़े रास्ते चूजिए, उस डाल को काट कर फेंक दीजिए जो आपकी कामयाबी में बाधा डालती है। तो दोस्तों आपको सफल होना है तो छोटे मोटे विकल्प को अपने लाइफ से हटा दीजिए, उस डाल को काट कर फेंक दीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे।